अच्छी लगी। ये बकवास फिल्म है। अच्छा एक्टिंग वाइज इमरान कैसी लगी एक्टिंग आप? तो नया रेस्टोरेंट के लिए एक खराब ही है। नकल के बारे में बताया गया है, यूपी की स्टोरी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपकी स्टोरी है इसमें, मैंने चीटिंग का प्रोसेस दिया गया है। तो कुछ मैसेज दे रही है लास्ट में? मैसेज खराब ही है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। सॉन्ग्स है? सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं है। ऑटो पे कितना देना चाहेंगे आप? क्या पास में कितना देना चाहेंगे? पास में रहा है। क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? मूवी ठीक थी, थीम अच्छी थी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए मेरे हिसाब से। इमरान की एक्टिंग? इमरान की एक्टिंग एज यूजुअल हमेशा अच्छी रहती है, ठीक रहती है जी। किसी सीन के लिए काफी फेमस है, इसमें भी दिया गया है, इस फिल्म में भी किसी किसिंग सीन एक है, इतना लिप लॉक नहीं है, बस एक सीन है, किस पिक किस। स्टोरी वाइज हाँ, नया मैसेज है, नया थीम है कि कैसे एग्जाम्स में चोरी होती है और बच्चे जो हैं जो नहीं भी आई मीन जो उस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं और वो नहीं होना चाहिए उस, और उसके पीछे कितनी चीटिंग चलती है उसके बारे में ही है। म्यूजिक के बारे में कुछ कहें? म्यूजिक उतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे, ठीक थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स हैं? 2.5 देना चाहूँगा। वाई चीट इंडिया जो नाम है, चीट इंडिया कैसे चीट करते हैं, परफेक्ट नाम रखा है मूवी का। जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अचीव नहीं कर पाते जो प्लेस को, इसलिए चीट करते हैं, वो परफेक्टली दिखाया है। जो पैसे वाले हैं तो डिजर्व नहीं करते हैं वो प्लेस, वो पैसे के दौरान वो खरीद लेते हैं। इन सब ये बोल सकते हैं कि चीटिंग को पॉजिटिव वे में दिखाया गया है कहीं ना कहीं? नहीं, पॉजिटिव दिखाया गया, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाया गया मूवी में, क्या हो सकता है चीट करने के बाद, एक सच्चे रास्ते में जाना और चीट करके जाना, दोनों एक पहले पॉजिटिव दिखाया गया, उसका नेगेटिव इफेक्टिव क्या है वो भी दिखाया गया। अच्छी तरह मैसेज दे रही फिल्म, मतलब और बांधे कितना बांधे रखी है फिल्म आपको? बहुत अच्छा, बहुत टर्निंग पॉइंट है बीच में मूवी का, मूवी देखने के पता चलेगा, तो बांध के रखने के लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट दिया है मूवी को। और इमरान हाशमी तो ठाक है, सुपर सही से ग्रेट एक्टर एज वेल, तो एज ए चीटर वो तो मस्त लगते हैं, जन्नत और राजा नटवर लाल 5 साल बाद आए हैं वो, राजा नटवर 2014 में आया था, परफेक्ट शूट करता है ये कैरेक्टर उनको। कैसी लगी गाने आपको इस फिल्म के? मेरी रोमांटिक गाने दो हैं, एक सैड सॉन्ग है और एक डांस नंबर है, तो रोमांटिक गाने जो है बहुत अच्छा लगा। 4 out of 5। फिल्म ठीक थी, फिल्म इमरान हाशमी से एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब बिग फैन हूँ मैं उनका, लेकिन फिल्म सही थी। इंटरव्यू के बाद का जो पार्ट है वहाँ से सस्पेंस और अच्छा चालू हो रहा है। ओवरऑल अगर बात करें कि लोकेशन सॉन्ग, जो कवाली सॉन्ग है जो इमरान हाशमी ने बताया वो खुद गा रहे, वो अच्छा लगा हम लोग को। और ओवरऑल स्टूडेंट कोटा के ऊपर बहुत बात हुई है। एक्टिंग तो इमरान हाशमी की बहुत ही सही थी, बट फिल्म में वो दम नहीं था। हाँ, स्क्रिप्ट फीकी थी, दम नहीं था, वो जो दम होना चाहिए वो नहीं था। बांध के तो मैम रख ही नहीं रही थी, मतलब चल रही है वो बोल रहे ना, पकड़ के नहीं रख रही थी, आदमी का ध्यान इधर से उधर हो रहा था, मैसेज आ रहा है मैसेज देखो। इंटरवल के बाद से जो पार्ट चालू हुआ वो सही लगा। कितने स्टार्स हैं? काफ़ी अच्छा था पिक्चर, मुझे पिक्चर बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्टोरी इतनी खास नहीं है, इमरान हाशमी का काम अच्छा है। ट्रेलर के हिसाब से देखने आए थे लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। ट्रेलर की अगर आपने जैसे बोला कि ट्रेलर से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी, और इसको मूवी में इतना कुछ खास नहीं। ट्रेलर में जो सत्येंद्र दुबे का जिन्होंने एक्टिंग किया, हमें लगा कि उसके ऊपर कुछ तो दिखाएगा, उनको नकली सर्टिफिकेट दे के कतार भेज देते, लेकिन कुछ दिखाया नहीं, उन्होंने सुसाइड कर लिया कतार में गया नकली सर्टिफिकेट लेके, और इंडिया में उनको डिपोर्ट कर दिया गया बिना किसी लीगल इलीगल, कुछ नहीं हुआ उनके साथ, वो सब दिखाना चाहिए था, लेकिन पिक्चर में इतना दम नहीं। मतलब ये पैसा वसूल मूवी नहीं, लास्ट का 15 मिनट है वो देख लिया तो देख लिया, बाकी घर पे चले जाने का। अगर बात करें गाने और डायरेक्शन की, हाँ गाने एक ही अच्छे लगे, वो कव्वाली वाला जो इमरान हाशमी ने गाया था, वो भी मेरे को तो मैं तो फिर भी तुमको चाहूँगा, ये गाने का तो मिक्सिंग ही लगा, क्योंकि वो गाने का ही म्यूज़िक इसमें मेरे को सुनाई दे रहा था, मैं खुद वो गा रहा था वो छोड़ के, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है इससे, लेकिन फिर भी ठीक है, छोड़ ही नहीं रहे ऑफिस जाने का मेरे को, बाकी पिक्चर अच्छा है। 2.5। मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थिंक इट्स अ वेरी रियलिस्टिक मूवी और बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट बनता जा रहा है, और अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स यू नो दे कम ऑन द मेरिट लिस्ट एंड दे ग्रैब द सीट्स, तो उसको उजागर किया गया है।
तो आई थिंक इट इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, वेरी रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल. तो अगर बात करें डायरेक्शन सॉन्ग्स, तो वो कैसे थे? डायरेक्शन अच्छा है सोमिक सेन का. मूवी का लेंथ स्पेस एडिटिंग से यू नो मूवी बांध के रखती, 2 घंटे की मूवी है तो कोई भी ऐसे स्ट्रेच नहीं किया गया, दैट्स द बेस्ट पार्ट. डायरेक्शन अच्छा है बाय सोमिक सेन एंड सॉन्ग्स आर गुड, देयर आर क्वाइट अ फ्यू कंपोजर्स. सॉन्ग्स कंपोज बाय गुरु रंधावा आर वेरी गुड एंड देयर इज वन सॉन्ग फिर मुलाकात, दैट इज ऑल्सो गुड सॉन्ग. ट्रेलर को देख के कितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ी और कितनी लो हुई है? इज इट अ पैसा वसूल मूवी? डेफिनेटली ट्रेलर को देख के लगा था कि यू नो इट विल बी अ थॉट प्रोवोकिंग मूवी एंड इट टर्नड आउट टू बी वन. क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये जो सब हो रहा है अभी तक जितनी भी फिल्म्स आई हैं उससे काफ़ी हटके है ये मूवी. तो यही आई थिंक विद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी शुड वर्क. आज काफ़ी कम लोग आए थे बट आई थिंक पीपल शुड गो आउट एंड वॉच दिस मूवी बिकॉज बहुत ही डिफरेंट किरदार है, बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है एंड यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट. वन थिंग यू डिडंट लाइक अबाउट इट? I think jo actress hai she, I think not many people know her. I think she can improvise, she has given a decent performance, she could be better. But main protagonist to Imran Hashmi hai, who has broken his romantic image and come out in a different role, so I'm sure critics are going to appreciate that. So overall I think it's a one time watch. Lastly, how many stars would you like to give? 3 stars. Thank you. How was the movie? The movie was amazing. The topic that they are focused on was pretty relatable because education is the topic, like education is the phase which we all go through, and the movie has focused on the malpractices of the education system and the loopholes of the education society of India. So what makes you to watch this movie after watching the trailer? How convincing it was? The trailer was pretty convincing and as I'm a Imran Hashmi fan, so it was a visual treat to watch him after a so long period of time on big screen. So one thing you didn't like about the movie? I don't like the beginning because it was kind of slow. How about the songs, directions and everything? Like, the direction was good, the background score was good, the song which I liked the most was Fir Mulaqat, and the star cast was also good. You have Imran Hashmi, you have Shreya who's debut in the movie, you have Snigdh who's playing the kid who writes the exam, you have Asia's top model Elena Fernandez who's playing Bhabi to Imran Hashmi, you have Manoj Sharma who's last seen in Inside Edge and who's playing the sidekick of Imran Hashmi. So yeah, and talking about the direction was pretty good. But like the portrayal, the director, the message which he wanted to give to the society, I guess he has given it a pretty well. Being a teenager and being having said that, I have finished my education recently, so I feel that it's a paisa vasool film for me because I've been through that phase, and out of 5 stars I would like to rate it 4.5. It's good.